ये कुछ टूल्स हैं जिनसे हुँ। बच्चे बहुत इजीली लर्न करते हैं चीज़ों को, जैसे कि हुँ। राइटिंग पोर्शन है या फिर जैसे हम पेंसिल कैसे ग्रिप करना है, हुँ। तो इन टूल्स से बच्चे बहुत इजीली ये सीखते हुँ। हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं उनको ये चीज़ें तो अट्रैक्ट करती हैं और हुँ। वो इन चीज़ों से। नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रही हैं हंसी की आवाज। मीडिया के माध्यम से हम विभिन्न एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के बारे में आपको बताते रहते हैं और विभिन्न पर्सनैलिटीज के इंटरव्यूज लेते रहते हैं। सौभाग्यवश आज हम एक शिक्षा के ऐसे मंदिर में खड़े हैं जो विगत 6 वर्षों से शिक्षा का अलख जगा रहा है। वो शिक्षा का मंदिर है MM इंटरनेशनल स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहाँ सभी टीम्स हैं और एक ऐसा स्कूल जिसने एक रोल मॉडल तैयार किया, ट्रेंड सेटर है, जिसे मैं कहूँ पाइनर कहूँ, कि मौर्या मॉन्टेसरी से स्टार्ट हुआ है यह स्कूल, जहाँ फर्स्ट टाइम मैं कह रहा हूँ कि इस क्षेत्र के अंदर मौर्या मॉन्टेसरी नहीं है। आइए उनके वर्दी प्रिंसिपल सीमा बब्बर जी से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि स्कूल जब बंद हैं, स्कूल जब यानी कि ग्लोबल पेंडेमिक को लेकर सभी स्कूल की प्रीपोन यानी कि छुट्टियां कर दी गई हैं, तो आपका स्कूल ऑनलाइन कैसा चल रहा है और ये मौर्या मॉन्टेसरी के बारे में भी हमें बताएंगी जरा, जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। मेरे साथ खड़ी हैं वर्दी प्रिंसिपल सीमा बब्बर जी। आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड फर्स्ट ऑफ ऑल टू यू कमिंग ऑन माई मीडिया सेकेंड टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू। छुट्टियाँ चल रही हैं, प्रीपोन हो गई हैं ग्लोबल पेंडेमिक के चलते, हैं यू आर स्टिल वेटिंग फॉर द रिजल्ट? या रिजल्ट 10वीं का आ गया आपका? नहीं सर, हमारा आ गया, क्योंकि हमारा स्कूल राइट नाउ अभी स्टेट बोर्ड में है, स्टेट बोर्ड तो हमारा रिजल्ट आ चुका है, विच इज़ टोटली 100%। आई मीन ऑल द स्टूडेंट्स हैव गॉट 500 आउट ऑफ 500। अच्छा, इट इज अ ग्रेट अचीवमेंट। या थैंक यू सो यू हैव मच। बीटन यानी कि ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ द 6 ईयर इन दिस। डेफिनेटली डेफिनेटली। सभी स्ट्रीम हैं आपके स्कूल में? स्ट्रीम्स हैं जी, 11th और 12th में हमारे पास साइंस दोनों है, मेडिकल नॉन मेडिकल, एंड वी हैव कॉमर्स एज वेल एज ह्यूमैनिटीज, सभी है। मैडम, फैकल्टी का बड़ा फंडा रहता है स्कूल के अंदर, यानी कि पेरेंट्स देखते हैं कि स्कूल की फैकल्टी कैसी रहती है, तो आपकी वेल इक्विप्ड फैकल्टी है स्कूल के अंदर? बिल्कुल सर, हमारे पास अगर मैं बात करूँ सारी हमारी फैकल्टी की, सभी टीचर्स हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट हैं, MSc BEd MA BEd। जो मॉन्टेसरी के टीचर्स हैं वो वेल क्वालिफाइड मॉन्टेसरी ट्रेनिंग कंप्लीट है उनकी, 1 ईयर की सर्टिफाइड टीचर्स हैं वो थ्रू मॉन्टेसरी यूरोप से, उनके सर्टिफिकेट्स हमने उनको दिए हैं। हमारे और जितने भी उसके ऊपर की क्लासेस के टीचर्स हैं, दे आर ऑल वेल क्वालिफाइड, ऑल पोस्ट ग्रेजुएट BEd। मैं जानना चाहूंगा कि विगत यानी कि छठा सेशन है आपका, 5 सालों में आपके यहाँ से स्कूल के बच्चे निकल के भी गए हैं, एलमनाइज भी होंगे, तो उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट हासिल की है? सर अगर हम एल्यूमिनाई की बात करें तो हमारे अभी ये सेकंड बैच है 10th का, रादर थर्ड बैच, तो अभी वो बेचारे कोविड की वजह से उनके कॉलेज भी इतने तो नहीं चले, क्योंकि थर्ड बैच है, दैट मीन्स जो हमारा फर्स्ट बैच निकला होगा उसका बच्चा अभी सेकंड ईयर में ही होगा। सेकंड ईयर में, हाँ, तो उसमें अभी थोड़ा वक्त है, वक्त है, लेकिन अचीवमेंट आपकी ऑलराउंड, मैं कहता हूँ कि भी ये एकेडमिक के साथ साथ सर्वांगीण विकास के लिए, ऑलराउंड उनकी डेवलपमेंट के लिए आप क्या करवाते हैं? सर मेरी खुद की अपनी जो खासियत रही है, अगर मैं कहूँ तो GK बहुत अच्छा रहा है, और GK में ही हमने बच्चों को पार्टिसिपेट कराया। करनाल के स्कूल में एक कंपटीशन हुआ था ऑल ओवर हरियाणा का, जिसमें हमारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। फर्स्ट 1000 में हमारे 8 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, और उन 8 में से फर्स्ट 3 फर्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट, लास्ट राउंड में सिलेक्ट हुए, और उसके बाद
फाइनल में हमारा एक बच्चा पोजीशन थर्ड लेकर आया था ऑल ओवर हरियाणा में। तो जीके मेरा खुद का ही काफी अच्छा है और मैं काफी मतलब कोशिश, अगर मेरी पीछे का भी आप देखेंगे जिस स्कूल में मैं पहले काम करती रही हूँ, पूरे 21 टीम्स में से हमारी टीम थी जिन्होंने उस टाइम एक पूरी शीट की। किस स्कूल में काम करती थी? सर मैंने पहले काली देवी में किया है, तो वहाँ हमने टीम जीती थी, मतलब पूरी ट्रॉफी जीती थी हमने। वी वर 42 टीम्स जिसमें से 21 सेलेक्ट हुई थी, उसमें से वी वर फर्स्ट। यही क्वालिटी यहाँ डाल दिया जी? यही जी। मैं जानना चाहूंगा कि एक खूबसूरत सा एम्बियंस हमें लग रहा है इस रूम का, ये माउंटेन्सरी यानी कि मौर्य माउंटेन्सरी यानी कि क्लासेस यहाँ लगती हैं। आई वुड लाइक टू पुट ए क्वेश्चन टू यू, व्हाट इज द मौर्य माउंटेन्सरी? मौर्य माउंटेन्सरी एक्चुअली हाँ, ये एक यूरोपियन टीचर रही हैं फिनलैंड की, बहुत बुजुर्ग सी थी। उन्होंने जब ये देखा कि बहुत गरीब लोग बच्चे जो लेबर के बच्चे हैं पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनको लेकर उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए टूल्स के साथ। और ये जो मॉन्टेसरी है, सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि यहाँ टोटल फ्रीडम होती है बच्चों को। आप कोई भी चीज पिक कीजिए, आपको उससे लर्न करना सर, है। इससे पहले मैडम, इससे पहले कि आप मारिया को एक्सप्लेन करें कि मुझे मारिया को मॉन्टेसरी का यानी कि राइट फ्रॉम वेरी बिगनिंग कौन कौन सी क्लासेस से शुरू होता है? जी, ये नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टैंडर्ड। और अभी जो नई पॉलिसी आ रही है गवर्नमेंट की 2023 से, उसमें सेकंड तक का टोटली दिया ही बच्चों का प्राइमरी सेक्शन है, मतलब प्री प्राइमरी सेक्शन को काउंट किया है, सो दैट कि यहाँ बच्चों का बेस बने। और वो मॉन्टेसरी से अच्छा कोई नहीं बनाता। मैं बड़े गर्व से ये बात बोलना चाहूंगी कि चाहे आप शहर में किसी भी, जो हमारे बच्चे मॉन्टेसरी के पढ़ रहे हैं, आप उनसे पूछिए, मॉन्टेसरी के बच्चे जैसे ही UKG कंप्लीट करते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाने के लिए तैयार होते हैं, आखिरी एक महीने में वो रीडिंग कर पाते हैं। ये मेरी तरफ से मतलब एक बहुत ही अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब पेरेंट्स मुझे बोलते हैं मेरा बच्चा रीडिंग कर पाया, हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ लिया उसने जोर जोर से। सेकंड ईयर ना, जब वो फर्स्ट में एंटर करते हैं, उससे पहले पहले भी कर लेते हैं UKG प्ले वे मेथड के साथ आप करवाती हैं जी। तो मैं जानना चाहूंगा आपकी कोई टीचर है क्या यहाँ पर? जी, हमारे पास दिव्या है। दिव्या, ये क्या दिव्या, आप मॉन्टेसरी में यहाँ टीचर हैं? हाँ जी। तो ये क्या नजर आ रहे हैं मुझे, ये जो प्ले वे मेथड के साथ आप करते हैं? हाँ जी, ये कुछ टूल हैं जिनसे बच्चे बहुत इजिली लर्न करते हैं चीजों को, जैसे कि राइटिंग पोर्शन है, या फिर जैसे हम पेंसिल कैसे ग्रिप करना है। तो इन टूल से बच्चे बहुत इजीली ये सीखते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनको ये चीजें तो अट्रैक्ट करती हैं, और वो इन चीजों से कैसे उनको हैंडल करना है। ये सारे टूल्स मैंने देख लिए हैं आपके। मैडम आइएगा, कि भी बहुत लंबा हो जाएगा। आपका स्कूल ऑनलाइन स्टडी में कैसा चल रहा है, जो वर्चुअल स्टडी चल रही है? बहुत अच्छा चल रहा है, ऑनलाइन वर्क जा रहा है बच्चों को। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगी, अगर टीचर पोएम बोलकर सुनाती है, तो वापस हमारे पास वीडियोस बच्चों के आते हैं पोएम बोलते हुए, मतलब दे आर सो हैप्पी। एंड्रॉइड और नेटवर्क इश्यू तो नहीं रहता था? अब नहीं है, अब नहीं। देखिए पहले थोड़ा बहुत था, लेकिन अब शायद मुझे लगता है कि पेरेंट्स भी और बच्चे भी अब थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गए हैं इस जोन में। चलो हम यहीं इसका विश्राम करते हैं, क्योंकि लंबा हो जाएगा। कोई मैं दावे से कहता हूं कि ये फर्स्ट स्कूल है जब मारिया माउंटेसरी स्कूल जो है MM इंटरनेशनल स्कूल के अंदर शुरू हुआ है। छठा सेशन है और बहुत खूबसूरत एम्बियंस है इसकी स्कूल की। हमारे मित्र हैं सुभाष कटारिया जी, जो क्लासमैन अफसर रिटायर हुए, एक्सीन रिटायर हुए, डायरेक्टर हैं स्कूल के, वे खुद पेंस लेकर इस स्कूल को चलाते हैं। तो आप भी शिक्षार्थ आइएगा और सेवार्थ जाइएगा और MM इंटरनेशनल स्कूल में अपने नौनिहालों का यानी कि जीवन सुखमय बनाइएगा, ताकि आप उनका भविष्य अच्छा रहे। मैडम, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। आई अगेन एक्सप्रेस माय ग्रेटिट्यूड टू यू कमिंग ऑन माय मीडिया। नमस्कार दोस्तों।